हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, घर में वीडियोस देख रहे हो। बहुत से लोगों के कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपकी घर में पढ़ाई अच्छी चल रही है, वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो नहीं भी देख रहे होंगे, सो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल टू यू विद यू। आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसका बेनिफिट उठाओ। वीडियो रोज एक वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से। और नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। रिमेंबर इन वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन द अदर डे वी स्टडी दैट इफ अ पार्टिकल हैज टू कंप्लीट द सर्कल एट द हाईएस्ट पॉइंट द मिनिमम वेलोसिटी मस्ट बी रूट आर जी। अगर इससे कम वेलोसिटी है, तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी है तो बहुत अच्छी बात है, सर्कल कंप्लीट होगा, गोल घूम सकेंगे। अनदर थिंग इज, अगर हमको यही से भविष्यवाणी करना है कि ये आदमी ऊपर चढ़ पाएगा और गोल घूम पाएगा या नहीं, तो हम बोल सकते हैं मिडिल पोजीशन की वेलोसिटी को देखकर, मिडिल पोजीशन पर वेलोसिटी अगर रूट थ्री आर जी या उससे ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट गोल घूम पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस शुड बी मिनिमम वेलोसिटी एट द मिडिल पोजीशन शुड बी रूट थ्री आर जी। एंड अगर हमको यही से भविष्यवाणी करना है कि यहाँ से कोई पार्टिकल घूम रहा है, रस्सी से पत्थर बांध के घुमा रहा है, और यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर उसकी वेलोसिटी रूट फाइव आर जी या उससे कम, रूट फाइव आर जी से कम वेलोसिटी है, तो समझ जाना कि ऊपर नहीं जा पाएगा और ये घसर कर वापिस आ जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ये रस्सी से पत्थर बांधकर घुमा रहा है तो पत्थर इसके सिर पे गिरेगा, ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ये हमने लाए थे। अब लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। ये क्या है, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन, बॉटम पोजीशन, वेलोसिटी एट द मिडिल पोजीशन, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन और वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन। अब यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होना चाहिए, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी होना चाहिए, कहीं की भी वेलोसिटी देख के हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये ऊपर चढ़ेगा या वापस घसर के गिर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए डेरिवेशन डिराइव, एक डेरिवेशन लाते, फॉर्मूला डिराइव करते। सी, ये एक सर्कल है, समझो बहुत अच्छा बना है सर्कल। लेट अस सपोज दिस इज द वर्टिकल लाइन, और अभी इस पार्टिकल जो है वो यहां है, स्टोन, ये दिस इज द स्ट्रिंग हैविंग रेडियस आर, और ये उससे हमने पत्थर बांध लिए, इसका मास कितना है एम, एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, अर्थ है। अब ये पत्थर बांधकर ऊपर घुमा रहा है रस्सी से, तो ये पत्थर ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, हाइट एच, और ये हाइट एच कैसे पता चलेगी, हमको ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, और जब रस्सी से पत्थर बांधकर घुमा रहे तो स्टोन यहां पर आ गया तो उसने कितना एंगल बना लिया है, ऑलरेडी थीटा एंगल बना चुका है वो, ठीक है। अब लेट अस सी, इसको नाम दे देते ओ, इसको नाम दे देते पी, ओ पी, और इस पॉइंट को क्या नाम दूं मैं, क्या नाम दूं इसे, डी नाम दे देता हूं, ओ पी डी, नहीं पी, इसको नाम देता हूं पी, ओ पी डी, और इसको नाम दे देते क्यू, ओ पी डी, और ये क्यू। अब देखो डेरिवेशन, वो पहले जैसे ही डिराइव करना है हमको। सी, टोटल एनर्जी वी नो, टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन, या हम ऐसा लिखेंगे टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट, यहाँ हाईएस्ट भी लिखे तो भी चलता, लोएस्ट या मिडिल कोई भी लिखे तो चलता, आंसर वही आएगा, तो मैं लोएस्ट पोजीशन लिख देता हूँ। एंड डू यू नो टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट, एंड टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन विल बी काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन, व्हाट इज ए एनी पोजीशन इज इक्वल टू, दिस इज टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन विल बी हाफ एम वी एनी पोजीशन का वेलोसिटी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन विल बी एम जी एच हाइट, अभी स्टोन का है यहां पर है तो उसकी हाइट कितनी है एच, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन विल बी
हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी इंटू जीरो एच इज इक्वल टू जीरो एट लोएस्ट ग्राउंड लेवल। हमको मालूम है ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। अब देखो ये यहां से हम क्या करते हैं, इसको हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी, देखो मैं एच की जगह क्या कर रहा हूं, एक कमाल की चीज लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया अजीब चीज लिख रहा हूं। देखो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ओपीडी, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीडी कॉस थीटा लगा लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूस ओडी, ओडी बराबर, तो फिर ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर OP is equal to OD into cos theta, but what is OD? R. OP क्या है? ठीक है? OP लिख दिए। OP is equal to OD is R cos theta. R cos theta हो गया। और ये क्या हो गया? OP क्या मैं OP की जगह ऐसा लिख सकता? Instead of OP क्या ना है right? OQ minus PQ. OQ minus ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओपी की जगह मैं लिख सकता ओ क्यू माइनस पी क्यू, तो बच जाएगा ओपी। अब देखो यहां क्या कर रहा हूं मैं, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज रेडियस आर माइनस पी क्यू क्या है एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो इधर एच उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एच, तो हाइट की वैल्यू क्या होगी आर माइनस आर कॉस थीटा, यहां मैं लिखूंगा आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी एल, का मतलब कितना था लोएस्ट की वेलोसिटी कितनी रहती रूट फाइव आर जी हमको मालूम है प्लस जीरो। चलो बोला नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, वेरी गुड, ऐसे समझने का। सी अब हाफ इसको मैं जानबूझ के ना थोड़ा इधर लेते हैं, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टू एम जी आर एम आर जी, आर बाहर निकल गया, वन माइनस कॉस थीटा, ध्यान से देख लो आर बाहर आ गया, mg था r बाहर आ गया, r कौन सा r, r into cos theta, r cos theta is equal to half m into 5rg, root and square cancel हो जाएगा, ठीक है। अभी left hand side पे बताओ common क्या दिख रहा आपको, half m दिख रहा, half m, बताओ brackets में क्या बच रहा, vae position square plus 2mrg, sorry 2rg, 2RG 1 minus cos theta is equal to half m into 5RG, half m will get cancelled और बचेगा क्या VA square plus, इसको solve करो into करो 2RG 1RG minus 2RG cos theta is equal to 5RG। अब क्या करेंगे हम, यस उधर भेज देंगे इनको, तो ये हो जाएगा वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव आर जी माइनस टू आर जी प्लस टू आर जी कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव आर जी माइनस टू आर जी थ्री आर जी प्लस टू आर जी cos theta, देख लो अच्छे से, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब कहां लिखूं मैं,
इसके बाद का मैं कहां लिखूं? उधर ले जाऊंगा, उधर मैदान तो खुला है, लेकिन आप बोलेंगे कितनी दूर चलेगा सर? एक स्टेप बची है, एक या दो स्टेप्स। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये देखो VA square is equal to 3RG 2RG। बताओ कॉमन क्या है? 3, मतलब RG कॉमन है, बचा क्या? 3 plus 2 cos theta। समझ गए? चलो अब रूट ले लो, तो VA is equal to square root of RG 3 plus 2 cos theta, 3 plus 2 cos theta। This is the expression। अब मान लो हमको highest position की velocity लाना है, highest position या middle position की लाना है। VA is equal to क्या लाया हमने formula? RG 3 plus 2 cos theta। हमको लाना है V middle, तो क्या हो जाएगा? RG 3 plus 2 cos। अगर स्टोन मिडिल पोजीशन में है तो एंगल कितना होता? 90 डिग्री। रिमेंबर, याद करो, इफ द स्टोन इज एट द मिडिल पोजीशन तो विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल रस्सी एंगल कितना बनाती है? 90 डिग्री थीटा। और फिर ये क्या हो जाएगा? V मिडिल इज इक्वल टू ये RG 3 plus 2 into 0, so V middle will be √3 RG। देखो आया कि नहीं आया? कोई भी पोजीशन का फॉर्मूला ला सकते हैं, हमको ओनली किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा प्रॉपरली? थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सही थीटा रखेंगे सही आंसर मिलेगा, थीटा को सही रखना है, ठीक है? चलो नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन फास्ट, ये मिडिल पोजीशन है। अगर हमको हाईएस्ट पता करना रहा तो VH क्या लिखेंगे? √RG 3 plus 2 cos 180। Do you know स्टोन जब ऊपर जाता है यहां पर VH वाली पोजीशन पे तो एंगल कितना बन जाता है? 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लाइन। और ये क्या हो जाता फिर? RG 3 plus 2 into cos 180 कितना होता? cos 180 is -1, तो ये क्या हो जाएगा फिर? RG 3 plus 2 into -1 -2, √RG 3 minus 2 1, RG मतलब RG। कोई भी पोजीशन का वेलोसिटी ला सकते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, कोई भी पोजीशन का वेलोसिटी ला सकते हैं। नोट डाउन कर लो। सो व्हाट इज द बेस्ट फॉर्मूला? दिस वन, उसको मैं हाईलाइट करता रेड पेन से अच्छे वाले। अरे वाह, 3-3 रेड पेन है यहाँ पे, तो कौन सा अच्छा चलता होगा? ये अच्छा चलता होगा। दिस इज आवर फॉर्मूला। नोट कर लो जल्दी से। ये ट्रायल है, ये जो ये टैली है, टैली फॉर्मूला अपना सही आया, उसका रिजल्ट सही मिलता है नहीं मिलता उसको अपन टैली कर रहे हैं। मेहनत से मैं टैली हो गया, की करिए भी की करिए टैली।
टैली, ये टैली कर रहे हैं, इधर का वो करेक्ट डेरिवेशन है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन, इट इज ओनली फॉर टैली। टैली करके देखते हैं हम ये हमारा ये वाला फॉर्मूला हमारे काम में आता है नहीं आता। लोएस्ट पोजीशन का मिला के देख सकते, जीरो डिग्री रख दो वहां पे लोएस्ट पोजीशन पे, यहां लिख देंगे थीटा इज 180 डिग्री एट हाईएस्ट, लिखेगा भी यहां पे तो एट हाईएस्ट पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एट हाईएस्ट पोजीशन। नोट डाउन फास्ट। चलो हो गया होमवर्क डेरिवेशन आपका। टैली मीटर पहले क्या मीटर पहले ये मीटर फिर क्या लिखा था मैंने ये लिखा था उसके पहले डायग्राम बनाए थे। ये डेरिवेशन है खतरनाक, डोंट ड्रिंक एंड डिराइव। Boys and girls, do you remember how much is the tension at the highest position or at any position? Tension in the spring. Tension in the spring in vertical circle, in vertical circular motion. टेंशन इन द स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट एनी पोजीशन टी इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। डू यू रिमेंबर ये वर्टिकल लाइन, ये रस्सी से पत्थर बांधकर घुमा रहे हैं, ठीक है। दिस इज थीटा, ये वेट है कि मानता नहीं एम जी, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा बन गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, याद करो। और इधर भी हम बना सकते हैं ऐसा, इधर थीटा है तो ये हो जाएंगे एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएंगे एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा काम को कोई काम नहीं, ये एम जी कॉस थीटा। इधर कौन कौन खींच रहा बाहर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खींच रहा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खींच रहा और एम जी कॉस थीटा भी खींच रहा। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। दो चीजें हैं जो रस्सी में टेंशन ला रही, खिंचाव ला रही। टेंशन का डायरेक्शन अंदर रहता है तो, लेकिन खिंचाव किधर है, बाहर है। तो टेंशन इन द स्प्रिंग इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, समझ रहे हो। टेंशन इन द स्प्रिंग इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। नाउ सी, ये हमारा एट एनी पोजीशन है, ये थीटा है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा अगर मिडिल पोजीशन गया, हाईएस्ट पोजीशन गया थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, नीचे है तो थीटा 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो अब देखो
टेंशन, डिफरेंस इन टेंशन, डिफरेंस इन टेंशन, डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन, डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन. सी, एम इज द मास ऑफ द स्टोन टाइड टू द स्प्रिंग ऑफ रेडियस आर. स्प्रिंग का रेडियस आर है और वो इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग है, ऐसे मान के चलो उसकी रेडियस आर है. अब ध्यान दो, मैक्सिमम टेंशन कहाँ रहता है रस्सी में? लोएस्ट पोजिशन में रहता या हाइएस्ट में रहता? लोएस्ट पोजिशन में. तो मैक्सिमम टेंशन, सो डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू टी एल, टेंशन मैक्सिमम माइनस टी एच. समझ रहे हो? टी एल माइनस टी एच क्यों लिखिए, टी एच माइनस टी एल क्यों लिखिए? टेंशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पोजिशन, नीचे की पोजिशन में रस्सी में टेंशन मैक्सिमम होता है और जब ऊपर जाती है तो टेंशन मिनिमम होता है. नहीं मालूम यहां टेंशन कितना होता है? नीचे यहां पर इधर टेंशन कितना रहता है रस्सी में? सो हियर द टेंशन इन टी एल इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, और ऊपर कितना टेंशन रहता? वेट नीचे खींचते एम जी, ये ऊपर खींचता, तो यहां पर टेंशन एट द हाईएस्ट पोजिशन इज एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, इतना रहता. तो लोएस्ट टेंशन कितना है? लोएस्ट में टेंशन कितना है? एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी माइनस, हाईएस्ट में टेंशन कितना रहता? एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी. ठीक है, अब लेकिन एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर कैंसिल, गलत. ये है टेंशन वेलोसिटी लोएस्ट, ये है वेलोसिटी हाईएस्ट. बात समझ में आई? Velocity does not remain the same in vertical circular motion. Velocity is minimum at the topmost position, and that velocity VH is given by root RG. Root RG, and velocity at the lowest position is given by root 5RG. याद करो वो दिन जिस दिन पढ़ाया था मैंने ये. अब देखो, this is V. m velocity में लिख रहा root 5RG वर्ग square upon R. प्लस एम जी माइनस एम रूट आर जी उसका स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी. आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? फाइव एम आर जी अपॉन आर, फाइव फाइव एम आर जी, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन आर प्लस प्लस एम जी. माइनस ये क्या हो जाएगा? एम आर जी रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल अपॉन आर प्लस एम जी. अब देखो क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5 मिलीग्राम, नॉट 5 मिलीग्राम, 5 टाइम्स मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस 1 mg. एम जी यहाँ बचा माइनस आर आर कैंसिल हो गया, एम जी प्लस एम जी, ये माइनस एम जी प्लस एम जी कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा? 5 mg प्लस 1 mg यानी 6 mg. सो टेंशन टी एल माइनस टी एच इज इक्वल टू 6 times mg डिफरेंस इन टेंशन. अगर आपने 1 किलो का पत्थर लिए और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे, या 1 न्यूटन का पत्थर लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे, ऊपर अगर 1 न्यूटन का लगता है तो नीचे वो 6 न्यूटन का लगेगा, 6 times उसका मास बढ़ जाएगा. ठीक है, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, को इधर रखता हूं, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ रहती है? एट द लोएस्ट पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ रहती है? एट द हाईएस्ट पोजीशन। ये कितनी रहती है? हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एच स्क्वायर। आपको मालूम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम वी एल कितना रहता है? रूट फाइव आर जी उसका स्क्वायर माइनस हाफ एम ये रूट आर जी उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 बाई टू एम आर जी माइनस ये हो जाएगा हाफ एम आर जी। देख लो 5 बाई टू एम आर जी यानी 2.5 एम आर जी। यह काम करो हाफ एम आर जी कॉमन निकालो बचा क्या 5 माइनस 1 सो इट इज हाफ एम आर जी इंटू 4 यानी 2 एम आर जी। वैसे भी देख लेते थे 5 बाई टू यानी ढाई एम आर जी माइनस हाफ एम आर जी ढाई में से आधा गया 2 एम आर जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। चलो ये भी नोट डाउन करो जल्दी जल्दी लौकर लौकर करा लौकर। कितनी देर का वीडियो होगा देखने दो वो 26 मिनट्स चलेगा। वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो या तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लो। लेट अस सेव टाइम। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूपिंग द लूप। यह काम करते लूपिंग द लूप को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे है ना। नॉर्मल रिएक्शन एंड लूपिंग द लूप को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थोड़े छोटे छोटे डोज में काम करते हैं। अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। जियो इज जियो। चलो हैव अ नाइस टाइम स्टडी हार्ड एंड मेक नोट्स।